चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज को आज के सेशन को बच्चों शुरू करते हैं। तो आज का सेशन रहने वाला है फोर्स के ऊपर, बल के ऊपर। तो आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? आवाज एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चल चलो भाई, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ क्रैक सीडीएस एफकैट एंड सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो ऑल यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एसेस अनलिमिटेड एंड लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। नाउ दिस इज गौरव सिंह एंड आई हैव मोर देन 7 ईयर टीच एक्सपीरियंस। आई क्वालिफाइड एनडीए सीडीएस एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आई हैव की इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड गिवन मोर देन 500 प्लस सिलेक्शन इन वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। नाउ ये डिफेंस रिलेटेड चार चैनल हैं जिसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, डिफेंस एग्जाम इंटेंट, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, लेट्स गेट डिफेंस एग्जाम और डिफेंस 101। ये चारों चैनल को बच्चे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।
वॉट यू विल बी गेट, आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको मिलता है बच्चे डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एसेस, तो ये सारी चीज़ें बच्चे आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। बात अगर मैं करूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है भाई, लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसको आप जरूर इंस्टॉल करें, और मेरी ऐप पर भी रोज़ क्लास होती है। आज मेरी क्लास है शाम को 6 बजे, ऐप पे क्लास है आज मेरी, ठीक है। बात अगर मैं करूँ टेलीग्राम ऐप की, तो टेलीग्राम ऐप के अंदर एक ग्रुप है डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, तो इस ग्रुप को आप बच्चे जरूर ज्वाइन करें और सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सी डी एस एफ कैट और सी ए पी एफ की सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 7,920 रुपये का है, और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 11,520 रुपये का है। दोनों ही सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा GS01। इस कोड का यूज़ करें, और इस कोड का यूज़ करके आप 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा बच्चे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के ऊपर, भाई न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे, ठीक है। ऊपर से सेब आके गिरा, एप्पल आया, तो इन्होंने क्या सोचा भाई, इस बंदे ने सोचा कि सेब नीचे क्यों आया, ऊपर भी तो जा सकता था, ठीक है। और यहीं से फोर्स की शुरुआत हुई, लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत हुई। तो न्यूटन ने ही सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन को दिया इस दुनिया को, ठीक है। तो न्यूटन ने, देखो भाई, न्यूटन सेब नीचे आके गिरा, तो न्यूटन ने उसे खाया नहीं, बंदे ने क्या किया, ये सोच लिया कि नीचे क्यों आया, ऊपर भी तो जा सकता था, ठीक है भाई। तो बंदे का दिमाग है भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को कहते हैं, इसीलिए वो न्यूटन और आज हम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, वो कवर करेंगे बच्चे लॉज ऑफ मोशन को, ठीक है। क्या कवर करने वाले हैं हम बच्चे, लॉज ऑफ मोशन को कवर करेंगे। और जो लॉज ऑफ मोशन होता है, इसे हम कहते हैं गति के नियम। क्या कहते हैं भाई, गति के नियम। अब देखो, बात ये आती है कि हम फोर्स के चैप्टर में मोशन के नियम क्यों पढ़ रहे हैं, फोर्स के चैप्टर में तो फोर्स के नियम होने चाहिए, ठीक है। तो न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन दिए, क्योंकि मोशन के लिए फोर्स की आवश्यकता है। न्यूटन ने ये कहा कि हर नियम में, हर लॉ में, हर जो मोशन का लॉ है उसमें फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है, हम लॉज ऑफ मोशन को हम कहाँ पढ़ते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम पढ़ते हैं फोर्स वाइज चैप्टर में। तो पहला नियम क्या है भाई, पहला नियम क्या है, लॉ वन क्या कहता है, ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन, अगर कोई मोशन में, तो विल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगी, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ऐसा कब होगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा भाई, तो अभी मैं पहला नियम समझा रहा हूँ, दूसरा और तीसरा बाद में समझेंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो भाई, तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा भाई कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, मान लो ये रेस्ट है, अगर कोई रेस्ट में है तो भाई क्या होगी, रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। कब तक, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। तो अगर इस वस्तु को रेस्ट से मोशन में जाना है, रेस्ट से मोशन में जाना है या मोशन से रेस्ट में जाना है, ठीक है, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, इस पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो रेस्ट से मोशन में जाने के लिए, मोशन से रेस्ट में जाने के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल। तो रेस्ट से मोशन में जाने के लिए आप क्या करोगे, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, उसको अगर आपको मोशन में भेजना है तो आप क्या करोगे भाई, पीछे से धक्का मारोगे ना। अगर उसे मोशन में भेजना है तो क्या करोगे, आप पीछे से धक्का मारोगे, तभी तो वो मोशन में जाएगा। तो हमें क्या करेंगे भाई, पुश करेंगे, पुश। और अगर मोशन से रेस्ट में जाना है तो उसे हम क्या करेंगे भाई, पुल करेंगे, अपनी तरफ पकड़े खींच लेंगे। आई बात समझ में, अपनी तरफ पकड़ के उसे हम क्या कर लेंगे भाई, पुल कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। जब हम 9th-10th में थे तो हमने पढ़ा था कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, यही हमें स्कूल के टाइम में पढ़ाया गया था, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। खींचना और धक्का देने को ही क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं।
तो जो पहला नियम है, जो गति का बच्चे फर्स्ट नियम होता है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि इस नियम का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या चीज दर्शाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है ये क्या चीज दर्शाता है, तो ये दर्शाता है भाई क्या, ये क्या दर्शाता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या दर्शाता है बच्चे, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा को दर्शाता है, ठीक है। तो गति का जो पहला नियम है वो क्या दर्शाता है बच्चे, बल की परिभाषा को दर्शाता है। ये बात समझ में आए तो यस बोल दो भाई, हालांकि अभी दो ही बच्चे लाइव हैं। ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक बात आई बच्चे समझ में। चलो तो आगे चलते हैं, कोई जवाब नहीं आया, चलो कोई बात नहीं भाई, तो आगे चलते हैं, आगे आगे की बात हम करते हैं। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं। कैसे सीख सकते हैं, मैंने क्या कहा, एवरी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, परसिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट द फोर्स इम्पेल्ड ऑन इट, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु जो है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन में है, इसी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपने अपने पोजीशन को चेंज जब तक नहीं करेगा, कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स इम्प्रेस नहीं होगा, फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लगेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे ये है भाई, ये आपका एक रॉकेट है, तो बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले ऑब्जेक्ट किस में था, स्टेट में था, एयर स्पीड जीरो, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इंजन फायर्ड हो गया, इंजन फायर्ड हो गया, तो थ्रस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, थ्रस्ट जो है वो बढ़ गया, जीरो से बढ़ गया, और वेट डिक्रीजेस स्लाइटली एज फ्यूल बर्न्स, जैसे जैसे फ्यूल जलता रहेगा, जैसे जैसे फ्यूल जलेगा, वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, वेट डिक्रीज जाएगा, तो थ्रस्ट बढ़ने पे वेट क्या हो जाएगा भाई, कम होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि वेट जो है वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब जब थ्रस्ट थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, जब थ्रस्ट जो है वेट से ज्यादा हो तो क्या होगा भाई, ठीक है, तो क्या होगा, जब थ्रस्ट वेट से ज्यादा होगा तो वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, अपवार्ड, पॉजिटिव अपवार्ड, मतलब ऊपर की तरफ वो मूव कर जाएगा, रॉकेट एक्सलरेट अपवार्ड। तो नेट फोर्स, अगर कोई रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स कितना लगेगा, जितना उस पर थ्रस्ट लग रहा है और माइनस में हम वेट कर दें, तो वो कितना हो जाएगा नेट, क्यों, क्योंकि थ्रस्ट तो ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इस वजह से ऐसा होगा। तो जो पहला नियम है, जो गति का बच्चे पहला नियम है, इस बात को थोड़ा समझें, इस बात को थोड़ा समझें भाई, जो गति का भाई पहला नियम है, देखो भाई, जो बच्चे गति का पहला नियम है ना, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसे हम बच्चे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्या क्यों कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चे जड़त्व का नियम, क्या कहते हैं, जड़त्व का, गति का पहला नियम क्या कहते हैं भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं इसे, ठीक है। तो इस नियम में क्या ऐसा है कि इसे पहले नियम के बराबर इक्विवेलेंट रखा गया है, इस नियम में ये है भाई, इस नियम में क्या है, इस नियम में क्या है ऐसा, इसे पहले नियम के इक्विवेलेंट रखा गया है। तो इस नियम में क्या है भाई, इस नियम में ये है कि जो जड़त्व का नियम है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो ये कहता है कि सभी वस्तु, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट अपोज अपोजेज इट्स स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ पोजिशन, पोजिशन भी आप लिख सकते हैं। तो जितनी भी वस्तु होती हैं अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती हैं, ये पहला नियम का स्टेटमेंट है, नहीं सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट है। सभी वस्तु अपने पोजिशन की स्थिति का क्या करती हैं, अपने स्थिति का विरोध करती हैं, ठीक है। तो अपोज इट्स पोजिशन या स्टेट ऑफ पोजिशन, तो वो जिस भी पोजीशन में है, सॉरी, वो जिस भी पोजीशन में है, चाहे वो मोशन में है चाहे रेस्ट में है, उसका वो अपोज करने का काम करती हैं, ठीक है भाई। तो इस नियम को दिया किसने, गैलीलियो ने दिया, इस नियम को किसने दिया बच्चे, गैलीलियो ने दिया,
तो इसीलिए इस नियम को बच्चे लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। इस नियम को इसलिए क्या कहते हैं भाई, लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है। इस नियम को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ गैलीलियो। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये था बच्चे पहले नियम की कहानी, ये थी पहले नियम की कहानी। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे नियम की, ठीक है। मैं बात इसी कर रहा हूँ, दूसरे नियम की बात कर रहा हूँ। तो देखो भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो जो गति का दूसरा नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या कहेगा, क्या कहेगा भाई, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, गति का दूसरा नियम कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। गति का दूसरा नियम क्या कहता है भाई, इसका दूसरा नियम कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है भाई, चेंज इन मोमेंटम कॉल्ड फोर्स, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं भाई, बल कहते हैं, यही दूसरे नियम की कहानी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं भाई, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इसी बात को फॉर्मूले के अगर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे फॉर्मूले के फॉर्म में, फॉर्मूले के अगर हम फॉर्म में लिखें तो इसे लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये या फॉर्मूला। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स बराबर, आप कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। देखो भाई, हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, फोर्स बराबर, जो फोर्स है, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम, और कहीं भी रेट आ जाए तो बटे में क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, मोमेंटम कितना है भाई, एम वी माइनस एम वी हो जाएगा, क्योंकि चेंज का मतलब, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो एम वी होता है ना, इसको डिनोट करते हैं पी से, पी बराबर एम वी। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल आप क्या कर दो, घटा दो, तो फाइनल वेलोसिटी वी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, तो इसलिए फाइनल मोमेंटम एम वी हो जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, टी हो। अगर मैं यहाँ से एम कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचा अंदर, वी माइनस यू बाई टी, और वी माइनस यू बाई टी की हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका होता है, वी माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, ये फॉर्मूला एक्सीलरेशन का होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एम में। तो यही ये जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से हम क्या निकाल पा रहे हैं, फोर्स की इक्वेशन निकाल पा रहे हैं, मतलब फोर्स अगर हम किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं, किसी को चांटा मार रहे हैं, किसी को घूंसा मार रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कितने फोर्स से लगा रहे हैं, जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, ठीक है। तो जो यहाँ पर फोर्स होता है भाई, यहाँ पर जो फोर्स होता है, फोर्स जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या दर्शाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा को बताता है, बल की संख्यात्मक मान को, सॉरी, बल के संख्यात्मक मान को बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि एफ बराबर एम में आया कहाँ से, एफ बराबर एम में कहाँ से आया, बात समझ में आ गई भाई। आगे भाई बात समझ में, अरे बोल दो भैया, बोलते नहीं है यार तुम लोग, चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं बोलना तो क्या कर सकते हैं, नहीं बोल रहे तो चलो भाई, तो आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, समझानी थी मुझे, ठीक है। अब मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। प्रदीप राठौर, हेलो बच्चे, हेलो, क्या हाल है आपके,
तो फोर्स बराबर मैंने क्या लिखा, चेंज इन मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऊपर आ जाएगा, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो फोर्स बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, या हम डी बाई डी टी से, जिसने मैथ पढ़ रखी होगी 11th 12th में उसे पता होगा इसका मतलब, ठीक है, डी बाई डी टी, ठीक है। और मोमेंटम को, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, एम वी होता है, क्या होता है बच्चे, एम वी होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अभी मैंने सॉल्व कर ही दिया आपका, अभी मैंने पीछे बताया था सॉल्व करके, ठीक है। तो एफ बराबर एम में, यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका सिग्निफिकेंस बस इतना है कि यह है क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बता रहा है, बल्कि संख्यात्मक वैल्यू का है। जैसे आपने किसी को चाटा मार दिया, खींच के पटक दे, पांचों उंगलियां छप गई उसके गालों पे, ठीक है भाई। तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि मैंने फोर्स लगाया है, लेकिन ये नहीं पता ना कितना फोर्स लगाया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया एफ बराबर एम ए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो देखो भाई एक चीज और है यहाँ पे बहुत अच्छी, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी, ये चारों चीजें क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, सारों चीजें क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। इनमें क्या होता है भाई, बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो चारों चीजें इसमें क्या होती है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि बल का मात्रक क्या होगा और कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो भाई फोर्स बराबर एम ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, और किसी भी चीज का जो मात्रक है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक को ही एसआई यूनिट कहते हैं, ये बात याद रखना, और एक होता है भाई सीजीएस मात्रक, ठीक है। तो एम फॉर यहाँ पर मीटर है, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, मतलब जो लंबाई है वो मीटर में होगी, के फॉर क्या भाई किलोग्राम है, और एस फॉर क्या सेकेंड। यहाँ पे सी फॉर है मीटर की जगह सेंटीमीटर है ये, जी फॉर है बच्चे ग्राम, एस फॉर है क्या सेकेंड, ठीक है भाई, एस फॉर है क्या सेकेंड, आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये चीज है, तो बल का जो एसआई मात्रक है, एमकेएस मात्रक होता है वो क्या होगा, मास, एम फॉर यहां पे मास और ए फॉर एसलेशन, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एसलेशन की यूनिट क्या होती है भाई, एसलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं भाई। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह, इसकी जगह पे बच्चे न्यूटन के सम्मान में हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे न्यूटन के सम्मान में हमने क्या लिख दिया भाई, 1 न्यूटन लिख दिया, मतलब न्यूटन लिख दिया। तो जो बल का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है या फिर न्यूटन भी हो सकता है, ये एक बात। लेकिन जब हम इसको बच्चे सीजीएस में लेकर चलते हैं, हम इसको बच्चे कहाँ लेके चलते हैं, सीजीएस में लेके चलते हैं, तो 1 किलोग्राम, मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई तो कहीं भी कर सकते हो, अगर नहीं भी किए तो भी वहां पे 1 होता ही है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम होते हैं, वेरी गुड, क्योंकि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, वेरी गुड। और सेकंड बच्चे इधर भी है, सेकंड उधर भी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया भाई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो जैसे भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन लिखा, इसी प्रकार से बच्चे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, डायन लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, डायन, ये डराने वाली डायन नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि बल का एमकेएस मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, ठीक है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं भाई, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, अगली बात समझ में, ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक, चलें आगे। देखो भाई ये चीज है, इफ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेट एट हाई रेट, जैसे ये मास है, ये पूरा मास है, ये पूरा मास है, इसमें पहिया लगा पूरी तरीके से, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं
इसका एसिलेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है। फोर्स जितना ज़्यादा होगा या एसिलेशन जितना ज़्यादा होगा, फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स अगर जितना ज़्यादा हम लगाएंगे, एसिलेशन भी उतना ज़्यादा ही लगेगी, ठीक है। मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा एसिलेशन हो जाएगा, स्पीड और तेज़ हो जाएगी, स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो यही आपका क्या है भाई, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। यही आपका क्या बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप फर्स्ट लॉ बना सकते हैं कैसे, सेकेंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझें। ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। देखो भाई, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, देखो भाई, एफ बराबर एम ए होता है कि नहीं, एम ए होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई उसका बाह्य बल ना लगे। तो रेस्ट में है भाई, रेस्ट में है तो किस में रहेगा बच्चे, रेस्ट में ही रहेगा। मतलब अगर मैं इसकी रेस्ट की बात करूँ, रेस्ट की बात करूँ, तो रेस्ट में क्या है, वो मूव नहीं कर रहा होगा, मतलब अगर मूव नहीं कर रहा होगा तो एसिलेशन जीरो है। एसिलेशन क्या भाई, जीरो है ना, एसिलेशन जीरो है, ठीक है भाई। तो अगर एसिलेशन जीरो है तो फोर्स बराबर जीरो, और आपको पता है रेस्ट में कोई फोर्स नहीं लगता है, रेस्ट में भाई कोई भी फोर्स नहीं लगता है। और अगर मैं मोशन की बात करूँ, मोशन की बात करूँ, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो मोशन में भी आप, अगर मोशन में है, कंटिन्यूअस है मोशन में, तो आप ये समझ सकते हैं उसके अंदर की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में भी एसिलेशन जीरो होता है। तो एसिलेशन अगर जीरो तो फोर्स बराबर जीरो, ठीक है। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा बच्चे, आपको एसिलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब अगर गाड़ी रेस्ट में है तो उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। और अगर वो तेजी से चल भी रहा है, एक ही वेलोसिटी से 80 की स्पीड में कोई चीज चल रही है, तो उसे 80 में ही ना चला के उसकी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब हम वेलोसिटी चेंज करते हैं तभी एसिलेशन प्रोड्यूस होता है, और जब एसिलेशन प्रोड्यूस होता है तभी बच्चे क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं, फोर्स वाली। यस या नो? अरे बोल भी दिया करो तुम लोग, एक भी बात पर जवाब नहीं दे रहे हैं। चलो आगे चलते हैं भाई, नहीं बोल रहे तो क्या कर सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, आप अपने फैसले के लिए आजाद हैं, आप कुछ भी करें, बस आपके मौलिक अधिकारों के हनन नहीं होना चाहिए, किसी को बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या कहता है बच्चे, ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक्शन पे अपोजिट रिएक्शन होगा, जैसे इंजन अगर आगे की तरफ चल रहा है तो पीछे की तरफ एक पुश मारेगा तब वो आगे की तरफ चलेगा, ठीक है भाई। ये आगे अगला हिस्सा इंजन का मान लो, ये रॉकेट इंजन ही लिया है, तो अगर ये आगे मूव कर रहा है तो पीछे एग्जॉस्ट फ्लो पुश्ड बैकवर्ड, तो एग्जॉस्ट पीछे की तरफ बैकवर्ड मारेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने रॉकेट इंजन थ्रस्ट स्टिक के थ्रू आपको चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। अब मैं थोड़े से और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे बंदूक, कोई बंदूक चलाता है तो बंदूक की गोली आगे निकलती है तो बंदूक पीछे जाती है। ये नाव है, ये मान लो नाव है भाई, बोट है बच्चे, तो बोट से अगर आप किसी तल पर आते हैं तो जब आप आगे आते हैं तो आपका पैर बोट को पीछे की तरफ धकेल देता है। तो ये भी कह फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे इसी तरीके से थ्रस्ट था, जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो इंजन जैसे ऊपर मूव करा तो पीछे की तरफ जो धुआं है वो एग्जॉस्ट वो इस तरह से नीचे की तरफ निकलेगा। तो हर एक्शन पे अपोजिट रिएक्शन होता है,
जैसे हम बैलून का एग्जांपल लें, एयर एक्शन एयर फ्लश रशेज डाउन, रिएक्शन बैलून गोज अप, ठीक है भाई, आगे बात समझ में। जैसे वो बैलून हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलून जो होते हैं, हाइड्रोजन बैलून, ठीक है, या हाइड्रोजन बैलून छोड़ दो, या आप नॉर्मली किसी बैलून में हवा भर दो और उसे बांधो मत, उसमें गांठ मत लगाओ, फिर ऐसे छोड़ो तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, क्योंकि जो एयर होगा वो नीचे से निकलेगा, नीचे से एयर निकलेगा और उसका रिएक्शन भी तो कुछ लेगा, तो उसका रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ उसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्शन एयर नीचे की तरफ से निकला और रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन की वजह से बैलून ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सारे एग्जाम्पल बच्चे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक और नियम जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम इसे क्या कहते हैं भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही जनरेटेड नियम है, ठीक है। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको आप एक बार पढ़ें, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को आप एक बार पढ़ें और मैं एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ भाई, बात आई भाई समझ में, कुछ कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं है बताओ। चलो तो हम बात कर रहे हैं बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इसकी बात कर रहे हैं बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जो टोटल मोमेंटम है बिफोर अ कॉलिजन एंड आफ्टर अ कॉलिजन, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एक कार और ट्रक की टक्कर हो जाए, तो एक कार और ट्रक की टक्कर हो जाएगी, ठीक है भाई, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो सेम होना चाहिए। टू रेल रोड कार या प्रोटॉन और प्रोटॉन की टक्कर, प्लैनेट और मेटियोर की टक्कर, तो इस तरह के जो कोलिजन है वो क्या होता है भाई, इक्वल करते हैं बिफोर और आफ्टर कोलिजन, ठीक है भाई। तो ये एक बात है, मैं इसको एग्जाम्पल से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे मान लो ये है आपकी कार और ये है ट्रक, ये क्या हो गया भाई, ये ट्रक है। तो कार का जो मास है वो स्मॉल m या m1 मान लिया, ट्रक का मास m2 मान लिया, कार मान लो u1 वेग से आ रहा है और ट्रक u2 वेग से आ रहा है, तो ये बिफोर कॉलिजन हो गया ना, ये अभी टक्कर नहीं खाए हैं, ये बिफोर कॉलिजन हो गया टक्कर खाने से पहले। तो बिफोर कॉलिजन का जो मोमेंटम होगा, बिफोर कॉलिजन का क्या मोमेंटम होगा भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू v होता है, तो m और u1, तो m1 u1, ये तो कार का मोमेंटम हो गया, और ट्रक का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 u2, ये बिफोर कॉलिजन का हो गया, दोनों को जोड़ दिया टोटल बराबर। अब मान लो ये दोनों टकरा गए, मान लो भाई ये दोनों कार और जो ट्रक थे वो आपस में एक दूसरे से टकरा गए और थोड़ा दूर दूर होंगे, क्योंकि कार इधर जाके पड़ेगी, ट्रक भी थोड़ा बहुत हिलेगा ही, ठीक है। तो टक्कर खाने के बाद मास तो सेम ही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो वेग है v1 मान लिया, इसका वेग क्या हो गया v2 मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, m1 v1 प्लस m2, यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई भी चीज टक्कर खाने से पहले का जो मोमेंटम होता है किसी भी चीज का है, और टक्कर खाने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम होता है, क्या होता है भाई, हमेशा वो बच्चे क्या होता है, सेम होता है, याद रखेंगे इस बात को।
ठीक है। और एक बात और याद रखना है कि अगर अगर बच्चे U1 U2 से ज्यादा है तो होता क्या है, B1 अगर U1 जो है U2 से ज्यादा है, ठीक है, एक मिनट ऐसे नहीं, कितना बोल दिया, अगर मान लो M1 जो है बच्चे M2 से ज्यादा है तो V1 V2 से कम होगा। यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसा होगा, जैसे कार का मास जो है वो ट्रक के मास से कम है तो V1 जो है वो V2 से ज्यादा होगा, टक्कर खाने के बाद कार ज्यादा दूर तक जाएगी और ट्रक कम दूर तक जाएगा, ये कहने का मतलब, कार टक्कर खाने के बाद कार ज्यादा दूर तक जाएगी और ट्रक कम दूर तक जाएगा, ठीक है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बच्चे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो टोटल चार प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, चार, वैसे तो तीन ही प्रकार का होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, एक बार इसे समझ लो फिर मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ। तो जो फ्रिक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण बल, क्या होता है भाई, घर्षण बल होता है। घर्षण बल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ है, मान लो ये है, यहाँ पर बना लेता हूँ, ये कोई वस्तु है और ये सतह है, ये रोड है, इस वस्तु इस रोड पर चल रही है, तो ये अगर आगे की तरफ जाए तो घर्षण बल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। घर्षण बल हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो घर्षण बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा, तो ये क्या हो गया भाई, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है भाई, ये बात आई समझ में। तो फ्रिक्शन फोर्स टोटल होता है तीन प्रकार का, कौन कौन सा, पहला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे हम कहते हैं स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्या कहते हैं, स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसे हम कहते हैं बच्चे स्थैतिक घर्षण बल, क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। फिर हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और लास्ट वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो स्थैतिक का मतलब, स्थैतिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स जब तक कोई वस्तु रुकी हुई है, मतलब उस वस्तु में कोई हलचल नहीं देखने को मिली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, स्थैतिक घर्षण बल कह रहे हैं, ठीक है। मान लो आप कोई ट्रक खड़ा, बहुत बड़ा ट्रक है, आप उसे धक्का मारो वो हिल ही नहीं रहा, तो वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है, लिमिटिंग क्या कहता है भाई, लिमिटिंग ये कहता है कि ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जिसमें वस्तु गति करने वाली, मतलब हिले तो नहीं लेकिन गति, जैसे आप किसी ट्रक को धक्का मार रहे हैं, अकेले मारोगे तो नहीं हिलेगा, दो बंदे मारे तो भी नहीं हिला, चार बंदे आ गए, अब वो हिलने वाला है तो वो चिल्लाएंगे चल रहा चल रहा चल रहा, तो जैसे ही हिलने वाला है, वैना बॉडी टेंस टू मूव, जब कोई भी वस्तु गति करने वाली होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं गतिज घर्षण बल, क्या बोलते हैं बच्चे, गतिज घर्षण बल, मतलब वो घर्षण बल जो गति करते समय लगता है, जैसे आपकी बाइक आप रोड पे चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो चलते समय जो गाड़ी चलते समय जो घर्षण बल रोड और उसके पहियों के बीच में लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल। और एक गतिज घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक तो रोलिंग, जैसे जो गाड़ियों में पहिए हैं वो कैसा कैसा फ्रिक्शन फोर्स है, रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, रोल करता हुआ चल रहा है, और एक होता स्लाइडिंग, स्लाइडिंग कहीं पर फिसलना, जैसे ग्लेशियर वगैरह पे जहाँ बर्फ पड़ते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं स्केटिंग करने, आगे बात समझ में, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से जो घर्षण बल है मुख्य रूप से तीन पार्ट में डिवाइड है, स्टेटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और फिर चीज़ों को सीखते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला है बच्चे स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन क्या है स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, वैन अ ऑब्जेक्ट, वैन अ फोर्स, जब कोई बल, देखो भाई, वैन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बट
ऑब्जेक्ट डजंट मूव, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चे, फोर्स अप्लाई करते हैं, बल अप्लाई करते हैं, तो वस्तु गति ना करे, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे पुशिंग ए कार, हम किसी भी कार को धक्का दे रहे हैं, डैट डजंट मूव, जो कि गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखो भाई ये क्या दिखा है, ये लिखा बच्चे एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस क्या है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एफ एस इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एन इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। बात समझ में आई, बस आपको डेफिनेशन समझनी है। डेफिनेशन ये कहती है कि जब तक हम किसी चीज पे जब बल लगाते हैं, जब तक वो गति ना करे, रेस्ट में रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो कि डेवलप हुआ है एट कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस से, वैन बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब बॉडी किस पॉइंट पर हो, जस्ट स्टार्ट टू मूव, जब बॉडी गति करने की अवस्था में हो, मूव करने वाली हो, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स वस्तु पर लग रहा है वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ये बॉडी रखी हुई है बच्चे, ठीक है, ये बॉडी रखी हुई है, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करता है, एंड किया, अब मूवमेंट इधर लग रहा है, इस तरफ मूवमेंट लग रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। एप्पल जो है वो नीचे की तरफ, पीछे की तरफ लगेगा। तो जैसे हम किसी भी वस्तु को गति करा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक पेन है, ये मान लो मेरे हाथ में पेन है, और मैं इस पर धक्का लगा रहा, हिल नहीं रहा, लेकिन जैसे ये गति करने वाला है, तो जब ये गति करने से पहले जब हमें पता रहता कि हाँ गति करने वाला है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। आप ये भी कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू स्टैटिक से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो क्या है, इट इज़ अ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। आप देख रहे हैं, देख पा रहे कि नहीं, इट इज़ अ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है भाई, मतलब एक काइनेटिक से भी ज़्यादा होता है। अरे भाई, फ्रिक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा, जो गति होगी, मोशन उतना कम हो जाएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा, जो मोशन होगा वो उतना कम हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? बात आई बच्चे समझ में कि नहीं? बात आई भाई समझ में? तुम बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? चलो भाई, नहीं बोलना तो कोई बात ही नहीं है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ये मॉडल फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी सरफेस इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक म्यू के टाइम्स। मतलब देखो भाई, जितना भी फ्रिक्शन फोर्स है ना, चाहे काइनेटिक पढ़ लो, स्टैटिक पढ़ लो, सबका फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जैसे एफ एफ लिख दिया, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू म्यू और एफ, जो नॉर्मल फोर्स होता है उसके बराबर होता है। अब जैसे काइनेटिक हम पढ़ेंगे तो यहाँ के लगा देंगे, बस इतना ही अंतर है, यहाँ पे के लगा देंगे। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई वस्तु मूव करने वाली है, गति करने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जब भी कोई वस्तु बच्चे गति करने वाली है, मूव करने वाली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, फिर होते स्टैटिक फ्रिक्शन की, सबसे कम होते काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक है भाई, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेंट्रीफ्यूगल वर्सेस सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं, वो फोर्स
जो कि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, सेंटर से जो बाहर की तरफ लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स बच्चे सेंटर से अंदर की तरफ लगता है, सेंटर से अंदर की तरफ लगता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कई सारे एग्जांपल हैं। कौन कौन से भाई, जो अंदर से बाहर की तरफ लगता है वो है वॉशिंग मशीन हो गया, क्रीम सेपरेटर मशीन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल हैं। ठीक है भाई, सारे एग्जांपल कैसे हैं भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल हैं ये। ठीक, आपको बस ये याद रखना है वो सारे एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल के होंगे जिसमें जो चीज़ है वो एक एक्सिस पे घूमे, एक एक्सिस पे घूमे। जैसे आपके कमरे में पंखा घूमता है, लट्टू घूमता है, सारे एग्जांपल किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और जो ऐसे बाहर बार घूमे, ऐसे बाहर बार घूमे वो सारे एग्जांपल का सेंट्रीपिटल। और जैसे प्लैनेट हो गया, प्लैनेट का मोशन हो गया, सैटेलाइट का मोशन हो गया, या कोई गाड़ी यू टर्न ले रही है, या किसी गोल चक्कर पे ऐसे गोला मार रही है, तो ये सारे क्या हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गए। या मौत का कुआं हो गया, मौत का कुआं, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल से मैंने आपको चीज़ें समझाई। अब आप कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखें जो कि इंटरेस्टिंग है। अब देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों फोर्स कोई से हो, तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, कोई सा भी दोनों फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, ठीक है, इसमें क्या है, इनका फॉर्मूला सेम होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सेम होता है। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर तीन लाइन खींचे और ये क्या हो गया भाई, रेडियस हो गया। तो इनमें फॉर्मूला जो लगता है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर बार, याद रखना इसको, एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, और ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं इसे, वी स्क्वायर बाई आर, याद रखना। ठीक है, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इसको हमने एक ही जगह वी स्क्वायर बाई आर पुट कर दिया और क्या आ जाएगा, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, याद रखना इस बात को बच्चे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो क्या होती है भाई, सेम होती है। अभी अंतर हो गया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में, अंतर हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू अ पर्टिकुलर सो डैट इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल क्या करता है कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है जिससे जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहे। सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है, एज अ टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सप्लेन बाई एज्यूमिंग ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव ऑन इट। ठीक है भाई, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मान के चीजों को घूमता है, मतलब ये एक ही एक्सिस पे घूमता है, ऐसे पंखे की तरह घूमता रहता है, एक ही जगह घूमता रहता है। ठीक है भाई, बात अगर करें दूसरे पॉइंट की, एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पर इट इज डायरेक्टली रेडली टूवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये रेडली टूवार्ड सेंटर होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ होता है सर्कुलर पाथ के बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चे को इसे पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, बताओ भाई समझ में आ गया तो यस बोल दो एक बार। एकेडमी ऐप पर 6 से 8, ठीक है, एक सेशन है बच्चे 6 से 8 और एक सेशन है 9 बजे। ये जो सेशन चल रहा है ये तो अभी खत्म हो जाएगा, मतलब 10 मिनट में इसे मैं खत्म कर दूंगा। और एक सेशन है 9 बजे यूट्यूब पे, इसी चैनल पर है, इसी चैनल पर रात के 9 बजे है ये सेशन। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ाने वाला हूँ इसमें, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा इसमें मैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, बताओ भाई। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बच्चे, 2 किलोग्राम है। ठीक है,
ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, वेलोसिटी कितनी हो गई भाई 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो, और एक्सीलरेशन अगर जीरो हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, वो भी जीरो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला एम ए, ठीक है, तो एक ही जीरो रखोगे तो क्या होगा, जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर, बी का राइट आंसर 0 न्यूटन आंसर होगा इसका। ये कितना न्यूटन आंसर होगा बच्चे, 0 न्यूटन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, कोई रॉकेट है, ये रॉकेट मैंने दिखाई रखा आपको, दिस इज अ रॉकेट, ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस सराउंडिंग प्रोड्यूस बाय कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू द नोजल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द ट्रेमेंडस स्पीड एंड मेक्स द रॉकेट टू मूव अपवर्ड। ये रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों मूव करता है, कैसे मूव करता है, ये बताना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या मोशन, या आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई बात समझ में, भाई बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, इसका सही आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जवाब भी दो भाई जितने भी बच्चे लाइव हैं। थर्ड लॉ नहीं होगा भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा बच्चे, क्योंकि जब जब ये धुआं निकलता है ना, ये धुआं निकलता है तो धुएं में मास भी होता है, जैसे जब ये उड़ नहीं रहा है तो ये सारा जो फ्यूल है, ये फ्यूल ही तो है, जो धुआं है ये तो इसके अंदर होता है रॉकेट के अंदर, लेकिन जैसे ही उड़ना स्टार्ट करता है तो मास जो है वो कम हो जाता है ना, ये मैंने पीछे बताया था, इसका जब मास कम होता है तभी तो ऊपर की तरफ जा पाता है। आ गया, जैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, जब इसका मास कम होता है, इसका मास जब ये धुआं बाहर निकाल देगा, धुआं बाहर निकालने से जो है वेट कम हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर होगा सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बैलून, कोई बैलून है हेल्ड बिटवीन द हैंड, स्पेस द शेप चेंजेस, उसका शेप चेंज हो जाता है, दिस हैपन बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, प्रेस करने पे उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो भाई बैलून को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ये मान लो बैलून है भाई, इस पर हम प्रेस कर रहे हैं दोनों तरफ से दबा रहे हैं, तो इसके अंदर की जो हवा है वो क्या होगी भाई, वो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, और इस पर कैसा फोर्स लगेगा, बैलेंस फोर्स लगेगा, ए इज द राइट आंसर, बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, बैलून पर कैसा बल लगेगा, एक संयोजी बल लगेगा, संयोजी फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, स्पीड ऑफ कार, उसका वेट कितना है, 1500 kg, इंक्रीज होती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, तो पहले इसको बच्चे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 36 और 72 को इसको चेंज कर लेते हैं, 36 जो जाएगा वो हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 36, ठीक है, तो 18 × 36 ही होता है, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, और 72 को क्या कर दोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये जाएगा कम से कम 4 बार में, 5×20 तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स निकालने के लिए एम चाहिए और ए चाहिए, एम तो है हमारे पास 1500 kg है भाई, और ए क्या है भाई, एक्सीलरेशन, ये निकालना, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, यही होता है ना, अच्छा मोमेंटम निकालना था क्या, सॉरी एक्सीलरेशन नहीं निकालना बच्चा, मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, एम कितना बच्चे 1500 ना, और वी कितना है, इतना चेंज हो गया 36 से 72 हो गया, ठीक है, इतना चेंज हो गया, तो 72 में से 36 गया तो कितना हो गया, या 10 में से 20 गया, अभी हमने निकाला था भाई, अभी हमने निकाला था 10 में से 20 गया, 10 ही बचा ना, तो कितना आ जाएगा 15000 आ जाएगा, है ना, तो 3 0 नीचे ये रहा, तो
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, समझ में आया बच्चे काजल आपको? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना काजल? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो यस बोल दो एक बार। ठीक है, तो बच्चे शाम को मिलेंगे 6 बजे अनअकैडमी ऐप पर। तो सभी लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दें, और मैं उसमें बोन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आज ऐप पर। बोन पढ़ाऊँगा मैं, बोन्स के बारे में पढ़ाऊँगा, बोन्स और मसल्स, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं वहाँ। ठीक है काजल, वेरी गुड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। GS01 इसको ज़रूर याद कर लें, और अपने फ्रेंड्स में बताएं जिसको भी एडमिशन लेना है, जिसको भी अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है, कोई कोर्स परचेज करना है, तो GS01 कोड का इस्तेमाल करके 10% का स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है भाई, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ को समझने में, या कोई अगर परचेज करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा आसान बना दिया जाए। ठीक है, आपको परचेज करने में कोई फाइनेंशियल दिक्कत वगैरह अगर होगी तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे भाई कि चीज़ें और आसान हो जाएँ। ठीक है, आगे बात समझ में, 10% की बजाय और आपको डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो GS01 इस कोड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, और हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है बच्चे, तो कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे अभी जुड़े हैं, तो बच्चे आप लेट हो गए आने में, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। और सेशन है मेरा 6 बजे, 6 बजे मैं मिलूंगा आपको अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर मिलेंगे 6 बजे, और रात के 9 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे, इसी चैनल पे मिलूंगा यूट्यूब पे रात के 9 बजे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है तो बता दें, नहीं है तो भी बता दें, कोई डाउट है? ठीक है भाई, ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी शाम को। चलो भाई, टाटा बाय बाय, गुड आफ्टरनून सबको, बाय।